गाइस क्या आप रेगुलरली जिम जाते हो और एक अच्छा डाइट भी मेंटेन करते हो फिर भी आपको आपके रिजल्ट्स अचीव करने में दिक्कत हो रही है या क्या आप एक 40 ईयर्स से ज़्यादा के एज के इंसान हो और ये सोचते हो कि 40 ईयर्स के बाद आपके मजल्स प्रिजर्व करना या आपके मजल्स डेवलप करना पॉसिबल नहीं है या कभी आपने ये सोचा है गाइस कि एक बॉडी बिल्डर के पास क्या ऐसा सीक्रेट होता है जिसकी मदद से वो जल्दी से जल्दी अपने मजल्स ग्रो कर लेता है या फैट लॉस कर लेता है और अपनी ड्रीम फिजिक अचीव कर लेता है तो गाइस थोड़ा डीप जाते हैं इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक क्योंकि और सबको आप, सब ये सीक्रेट्स पता होते हैं पर कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है सो हाय गाइस दिस इज संजू कालीवाला आई एम द फाउंडर ऑफ द नेचुरल लाइफस्टाइल हब एंड ऑन ए मिशन टू हेल्प एटलीस्ट हंड्रेड थाउजेंड मेन एंड वुमेन अबोव फोर्टी ईयर्स टू Achieve their good health, to achieve their fitness, and to achieve their longevity by using all natural techniques. So, without wasting time, let's do the video. Guys, after crossing 40 45 years of age, बिल्डिंग मजल्स कैन बी ए लिटिल बिट चैलेंजिंग बट ये कम्प्लीटली इम्पॉजिबल नहीं होता है गाइस अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे किसी 20-25 इयर्स के इंसान से तो एक वर्कआउट हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी ईटिंग पैटर्न ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है उस इंसान को जो ये एज क्रॉस करता है बिकॉज आफ्टर क्रॉसिंग दिस एज आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं जैसे हार्मोनल चेंजेस आपके आपका मजल लॉस बढ़ जाना या आपके बोन्स वीक हो जाना एंड नॉट ओनली दिस गाइस इस एज के बाद आपको अपने आप को एज रिलेटेड या लाइफ स्टाइल रिलेटेड क्रॉनिक डिजीज से भी बचाना होता है जैसे डायबिटीज थारॉयड हाई बी पी हार्ट इश्यूज तो ड्यू टू ऑल दिस रीजन्स आफ्टर क्रॉसिंग दिस एज वर्कआउट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट कम्पेर्ड टू ए ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज सो इट्स टाइम टू डाइव लिटिल डीपर एंड शेयर माई फोर सिम्पल सीक्रेट्स जो ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स या जो भी अच्छे मजल्स बिल्ड कर रहा होता है अपने जिम में या घर पे ही वर्कआउट करके ये सीक्रेट्स वो फॉलो करते हैं शेयर माय स्क्रीन मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया है एंड द टाइटल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज सीक्रेट ऑफ बिल्डिंग मजल्स आफ्टर क्रॉसिंग फोर्टी तो ये कैसे कर सकते हैं गाइस यू कैन इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग दिस फोर सिंपल सीक्रेट्स एंड इसमें सबसे पहला है चूजिंग रेजिस्टेंट ट्रेनिंग ओवर योर कार्डियो जबी भी बात फिटनेस की आती है गाइस और जो भी पर्सन एक 40-45 इयर्स ईयर्स एज क्रॉस करता है उसके दिमाग में सिर्फ कार्डियो वर्कआउट्स घूमते रहते हैं वो सोचते हैं सिर्फ कार्डियो करने से फिटनेस मेंटेन हो जाएगा और दे विल भी हेल्दी बट गाइस रिमेंबर दिस कैन बी अ रोंग अप्रोच अगर आपको कंप्लीटली हेल्दी बनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ द वर्कआउट पर ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ क्वान्टिटी और चूज़ करिए रेजिस्टेंट ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग एटलीस्ट थ्री टू फोर टाइम्स ए वीक और कार्डियो इंक्लूड करिए बट आपके रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के साथ और वेट ट्रेनिंग में भी ट्राई करिए कंपाउंड मूवमेंट्स यूज करने के लिए अंडर प्रॉपर गाइडेंस अंडर प्रॉपर ट्रेनिंग जिस जो हेल्प करते हैं आपके रिजल्ट अचीव कर जल्दी से जल्दी अचीव करने में एंड फोकस ऑन माइंड मजल कनेक्शन वर्कआउट को स्लो करिए स्लो एग्जीक्यूट करिए सेट जिससे कि आपका माइंड मजल कनेक्शन बढ़े और आपके मजल ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए और अप्रोपरेट रेस्ट टाइम यूज करिए बीच बीच सेट के बीच में इट डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन यूअर टारगेट जो कॉमन रेस्टिंग टाइम होता है वो होता है सिक्सटी टू नाइनटी सेट एंड द लास्ट यूज पीरियोडाइजेशन टेक्निक इन योर ट्रेनिंग जिसकी मदद से आप अपने वेट को प्रोग्रेस कर सकते हो इन ए सेफ वे तो ये था आपके ट्रेनिंग पार्ट को लेके गए सेकेंड लेट्स स्पीक लिटिल बिट अबाउट यूअर स्मार्ट ईटिंग सो जब बात आती है न्यूट्रिशन की या डाइटिंग की ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ यही चलते रहता है कि कैलरीज कट करना कार्बोहाइड्रेट्स कट करना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना या कोई क्रैश डाइट फॉलो करना और अपने रिजल्ट्स को जल्दी से जल्दी अचीव करने का दिमाग में रखना सो गाइस ये सब फंडे काम तो आते हैं बट फॉर शॉर्ट टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म हेल्थ चाहते हो आपका हेल्थ ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना चाहते हो और इस गेम को आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहते हो तो आपको ये सोच बदलना पड़ेगा एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग क्रैश डाइटिंग या कोई फैंसी डाइट फॉलो करने से अच्छा इंक्लूड करिए स्मार्ट डाइटिंग और स्मार्ट डाइटिंग डाइटिंग क्या होता है इस लेट मी शेयर सो स्मार्ट डाइटिंग मीन्स फर्स्ट थिंग अवॉइडिंग क्रैश डाइटिंग जो भी आपके फैंसी डाइट्स अवेलेबल है मार्केट में अवॉइड करिए कीटो डाइट पैलियो डाइट कैबेज डाइट सूप डाइट जी एम डाइट बहुत सारे फैंसी डाइट्स अवेलेबल है अपने मार्केट में बट दे विल गिव शॉर्ट टर्म रिजल्ट बट लॉन्ग टर्म यू के नॉट इट के नॉट बी सस्टेन तो अवॉइड करिए एंड फोकस ऑन बैलेंस्ड मील जो आपके प्लेट में अप्रोप्रिएट कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स अच्छी तरह से इंक्लूड करिए और अपने प्लेट को बैलेंस करके लीजिए जो आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए एंड हेल्दी रह सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म एंड अपने इंडियन डाइट में अनफॉर्चुनेटली प्रोटीन की कमी बहुत होती है गैस सो ऑलवेज चेक योर प्रोटीन प्रोटीन इंटेक क्या आप प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हो अपने मजल प्रिजर्व करने के लिए या बिल्ड करने के लिए एंड प्रोटीन कितना लेना चाहिए गैस इट कैन बी फॉर ए कॉमन पॉपुलेशन इट कैन बी ज़ीरो पॉइंट एट टू वन पॉइंट टू या वन पॉइंट सिक्स ग्राम भी जा सकता है या आपका गोल कुछ ज़्यादा ही uh, मजल uh, अचीव करने का है या आपका वर्कआउट बहुत इंटेंस है तो इट कैन गो अप टू टू या टू पॉइंट टू ग्राम पर के जी बॉडी वेट भी जा सकता है एंड ऑलवेज इंक्लूड करिए हेल्दी फैट्स आपके डाइट में जिसकी मदद से आपका हार्ट हेल्दी रह सके जिसकी मदद से आपका डाइजेशन अच्छा काम कर सके और जिसकी मदद से आपके जॉइंट्स भी हेल्दी हो और आपको ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाए एंड uh, ज़्यादातर लोग जब डाइट की बात आती है तो सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिय के पीछे गिरे रहते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स बट गाइस आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी न्यूट्रिएंट्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं गाइस ये है आपके वाइटामिन मिनरल्स जो आपको हेल्दी बनाने रखने में हेल्प होते हैं और ये कहाँ से मिल सकते हैं इट कैन बी फुलफिल्ड फ्रॉम टेकिंग अप्रॉपरेट वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह वगैरह एंड थर्ड सीक्रेट गाइस जो दिखने में बहुत सिंपल है बट इट uh, प्ले से की रोल इन अचीविंग योर ड्रीम फिजिक या मेनटेनिंग योर मजल्स और ग्रोइंग योर मजल्स और स्टेइंग हेल्दी वो है आपका टेकिंग अ प्रॉपर स्लीप एंड अ रेस्ट तो प्रोटाइज करिए आपके स्लीप को और अपने रेस्टिंग टाइम को गाइज क्योंकि जब आप अच्छा एक सफिशेंट स्लीप लेते हो ऑब्वियसली यूअर हॉर्मोन्स विल भी रेगुलेटेड ऑटोमेटिकली एंड यू विल भी अवे फ्रॉम योर स्ट्रेस और इट विल बूस्ट योर ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन एंड इट विल कंट्रोल योर कॉर्टिसोल जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है और ये बात आपको ध्यान में रखना है आपके मजल्स ग्रो होते हैं जब आप रेस्ट करते हो गए तो एडिंग अप्रोप्रिएट रेस्ट विल प्ले ए की रोल इन दिस गेम और आपके मजल्स प्रिजर्व करने में या अचीव यूर ओवरऑल हेल्थ एंड टू स्टे हेल्दियर फिटर एंड फुलर लाइफ एंड टेकिंग अप्रोपरेट स्लीप ये ना ही सिर्फ हेल्प करता है आपके मजल्स को रिकवर करके आपके फिजिकल हेल्थ के लिए बट इसके साथ ही साथ ये भी हेल्प करता है आपके मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए आपका फोकस बढ़ाने के लिए आपका ब्रेन फंक्शन जो भी कॉग्निटिव या मेमोरी फंक्शन जो भी फंक्शंस होते हैं ये सब को बूस्ट करके आपको हेल्दी बनाए रखने में एंड फोर्थ सीक्रेट गाइज लेट मी शेयर नेवर हेजिटेड टू टेक द सपोर्ट ऑफ सप्लीमेंट्स क्योंकि जब आप एक फोर्टी फोर्टी फाइव एज क्रॉस करते हो गए ऑब्वियसली so आपके बॉडी में जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा है आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं आपके हार्मोन हार्मोनल लेवल्स डाउन हो जाते हैं आप मसल लॉस ज्यादा होने लगता है आपका बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होने लगता है ये सारी चीजों से बाहर आने के लिए आप अपने डाइट पे तो काम कर ही सकते हो बट इसके साथ ही साथ इफ़ यू आर नॉट फुलफिलिंग फ्रॉम योर डाइट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द अप्रोप्रेट मैक्रोस और माइक्रोस फ्रॉम योर डाइट देर इज नथिंग रॉन्ग ऑफ टेकिंग सर्टन सप्लीमेंट्स के और ये सप्लीमेंट्स में सबसे टॉप सप्लीमेंट्स है एज पर मी इज मल्टीवाइटामिन जो आपको लेने ही चाहिए आफ्टर क्रॉसिंग दिस एज बिकॉज आपके बॉडी के डिमांड्स बढ़ जाते हैं इस एज के बाद सेकेंड है आपका वे प्रोटीन क्योंकि जैसे मैंने कहा है आपने इंडियन डाइट्स में ज़्यादातर प्रोटीन की कमी होती है सो तो कैलकुलेट करिए आपका प्रोटीन इनटेक अगर आप अपने डाइट के थ्रू अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हो तो थम्स अप यू कैन गो विथ योर डाइट अगर आप अपने डाइट से फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो गाइस इज देयर नथिंग रॉन्ग ऑफ टेकिंग ए वे प्रोटीन सप्लीमेंट हैडिंग ए वे प्रोटीन सप्लीमेंट इन योर डाइट एंड फ्यू इंडियन हर्ब एक मैजिक की जैसे काम करते हैं गाइस अपने को हेल्दी रखने में और अपने मसल प्रिजर्व करने में या डेवलप करने में उसमें से सबसे टॉप है अश्वगंधा ये एक ऐसा हर्ब है गाइस जो आपके दूसरे सारे हार्मोन्स को रिलैक्स करके आपको रिकवरी में हेल्प होता है और और थोड़े स्टडीज ये भी प्रूव करते हैं कि अश्वगंधा विल आल्सो हेल्प टू तो बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वन मोर हर्ब विच आई टेक रेगुलरली इज गोक्षुरा गाइस ये एक मैन हर्ब है जो हेल्प करता है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करके आपको हेल्दी बनाए रखने में एड डोंट इग्नोर द पावर ऑफ वाइटामिन डी ऑलवेज इंक्लूड यू वाइटामिन डी सप्लीमेंट इन योर रूटीन जिससे कि आपको इसकी कमी ना हो और इसके फायदे आपको मिलते रहें तो गाइस ये थे चार कॉमन सीक्रेट्स जो ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स यूज करते हैं और अपना ड्रीम फिजिक विथ इन नो टाइम अचीव करते हैं और और ये बहुत कॉमन सीक्रेट्स है गैस सबको पता होता है पर कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो वाइजली इन योर रूटीन विथ इन नो टाइम यू विल बी अचीविंग यूर रिजल्ट और यूर ड्रीम फिजिक तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए उस पर्सन के साथ जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपने आ, गोल्स को अचीव करने में एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर सो गाइस दिस इज संजू कालीवाला साइनिंग ऑफ मीट यू द नेक्स्ट वीडियो टिल द टाइम स्टे हेल्दी स्टे फिट एंड स्टे नेचुरल बाय